नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लाखन सिंह भदौरिया और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको दो TV कैसे चलेंगे एक सेट ऑफ बॉक्स से, ये बताने जा रहा हूँ। मेरे पास एक सेट ऑफ बॉक्स है टाटा स्काई का HD का, और दो TV हैं जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, एक LCD है और एक नॉर्मल TV है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। ये LCD TV है, इस TV के पीछे दो पोर्ट होते हैं। एक तो ये जो सिंपल वीडियो और ऑडियो डिवाइस कनेक्ट करने के लिए, एक ये HDMI केबल, जी जो HDMI केबल होता है जिससे सेट ऑफ बॉक्स कनेक्ट होता है। ठीक है, अब इस HDMI केबल से मैंने सेट ऑफ बॉक्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। ये HDMI है और ये इसका पोर्ट है, इसमें मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है, यानी एक TV मेरा कनेक्ट हो गया है। दूसरे TV के लिए जो ये केबल है, ये केबल मैं एक ऑडियो के लिए और एक वीडियो के लिए, दो की ज़रूरत रहती है, एक तीन ये रहता है, तो आप दो भी कनेक्ट कर सकते हैं और दो ही सेम इस TV में कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब मैं अपना सेट टॉप बॉक्स ऑन कर रहा हूँ। ये मैंने सेट टॉप बॉक्स ऑन कर दिया है, ये देखिए SD में थोड़ा लोड होता है, थोड़ा लेट आता है। ये देखिए दोनों TV चालू हो चुके हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो पास पास हो गया काफ़ी, तो ये डिस्टेंस कैसे होगा? अगर मुझे दूर इन टीवियों को रखना है तो कैसे होगा? तो आपको क्या करना है सर, कि इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से ये चीज़ लेके आनी है। ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर आप ले आइएगा, या फिर पूरा केबल ले आइएगा। जो ये वाला केबल है, ये वाला केबल है, ये 15 रुपये या 20 रुपये का आएगा, तो ये केबल आप ले आइएगा। और इनमें ये दो वायर रहते हैं, और वायर ऐड करके इन दो वायर से कनेक्ट करके आप जितना केबल बिछाएंगे और एक कमरे से दूसरे कमरे पर ले जाके फिर इसमें लगा दीजिएगा, आपका डिस्टेंस काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे एक टीवी से, एक सेट ऑफ बॉक्स से दो TV चला सकते हैं। अब जैसे आपका एक TV कम चलता है, जैसे मेरा ये TV कम चलता है, ये TV ज़्यादा चलता है, तो मैं इस TV में जो देखना होगा वो इस TV में चलेगा। ज़्यादातर न्यूज़ देखते हैं हम लोग, ये देखिए दोनों TV चल रहे हैं। तो ये सिंपल वे है पैसे बचाने का भी और पैसे बर्बाद करने का भी, ऐसे आप पैसे बचा सकते हैं। ठीक है, इसका बस यही है कि दोनों TV में एक ही चैनल चलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम ऐसे वीडियोस डालते रहते हैं, और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।